अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप देखेंगे यहाँ पर मूंग दाल कचौड़ी, जो कि खस्ता कचौड़ी है, एकदम हलवाई जैसे कचौड़ी, जैसे कि बाज़ार में मिलती है। आप लोग वो ऐसा कचौड़ी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 50 ग्राम हमने यहाँ पर लिया है मूंग की दाल, जिसको भिगो लेना है लगभग 2 घंटे। इसको अच्छी तरह से आप धुल कर एक साइड में रख लीजिए, और फिर इसको जब ये फूल जाएगा उसमें, तो फिर इसको छान कर मिक्सर में दरदरा पीस लेना है। इसको पतला नहीं पीसना है, जब भी पीसना है दरदरा रहे तो ये अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से आप पीस लेंगे यहाँ पर। तो चलिए कचौड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। आटे के लिए 1 कटोरी हमने आटा, और हाफ कटोरी यहाँ पर हमने मैदा, और 2 चम्मच सूजी, 50 ग्राम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल, अजवाइन क्रश करके, और मंगरेल डाल दिया, नमक स्वाद अनुसार। जब ऐसी बाइंडिंग होने लगे तो ये खस्ता बहुत अच्छा बनेगा, खस्ता कचौड़ी। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप पानी मिला के डो को बना लीजिए। डो को आप एक साइड बना के 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब तक आप इसे ढक के रखते हैं 10 मिनट या आधे घंटे के लिए, तब तक चलिए इसका बेसन बना लेते हैं। बेसन बनाने के लिए जो कढ़ाई में आप तेल डाल दीजिए। यहाँ पर आपको 50 ग्राम सरसों का तेल लेना है, जिसमें जीरा 1 टीस्पून डालना है, सौंफ 1 टीस्पून, और यहाँ पर कुटी हुई धनिया 1 टीस्पून डालना है, कुटा हुआ मिर्चा हरा 1 टीस्पून मिर्चा, और यहाँ पर आपको अदरक कुटी हुई डाल देना है। इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। फिर हल्दी पाउडर डालना है, हींग 1 पिंच डालना है, और फिर इसके बाद आपको अमचूर पाउडर भी यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर हम 3 चम्मच बेसन को ऐड कर लेंगे। बेसन इतना ही मात्रा में ऐड करना है जितने कि आप मूंग की दाल डालेंगे, तो वो सूखा बन जाए ताकि गीला ना रहे पेस्ट। इस तरीके से बेसन आपको डाल देना है। अब बेसन को इतना भूनना है कि ये इसमें से खुशबू आने लगे सौधी सौधी सी, तो आपको तभी इसे बंद करना है। तो आप यहाँ पर देखिए बेसन में से तेल सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। मसालों में हमें गरम मसाला ऐड करना है। तो इसके पहले इसको हम पका लेते हैं इसी तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर इसके बाद इसको हम लगभग 5 मिनट पकाए हैं। फिर यहाँ पर गरम मसाला थोड़ा सा 1 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। तो थोड़ा चला लीजिए आप इस तरह से, देखिए बेसन पक चुका है। अब जो दाल है यहाँ पर, मूंग दाल हम दरबरा पीस के रखे हुए हैं, उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको भी ऐड कर दीजिए। तो इसको भी चला लीजिए। तो 5 मिनट तक इसे आप धीमी आंच पे ही पकाएंगे। तो यहाँ पर चलिए कुछ मसाले इसमें भी ऐड कर देते हैं, जिसमें यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज करेंगे। उससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, और लाल मिर्च पाउडर भी यूज करेंगे, थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा। और गरम मसाला पहले ही यूज कर चुके हैं, ये कूटी हुई लाल मिर्च है, और ये कश्मीरी मिर्च है। यहाँ पर जीरा मिर्च भुका हुआ जो पहले से है, और थोड़ा सा यहाँ पर 1/2 इंच यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा लिया है। इससे आप जब डाल देंगे तो जैसे हलवाई के यहाँ कचौड़ी खाते हैं उसी तरीके से इसका स्वाद आने लगेगा। तो यहाँ आप देखिए लगभग इसका पेस्ट बन के तैयार है। तो आप इस तरीके से भी उतार सकते हैं लड्डू बनाने के लिए। आप लड्डू बना के एक साइड में रख लीजिए। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी और इसको सूखा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लड्डू नहीं बनाएंगे, चम्मच की हेल्प से कचौड़ी में डालेंगे। तो चलिए इसको एक साइड कर लेते हैं चला के। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से इसे भून लेना है, एकदम सौधीपन आने लगे। तो इससे बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी ये कचौड़ी, तो हमने पहले बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ देखिए इसको ठंडा कर लेते हैं 10 मिनट के लिए। फिर जो डो लगाए हैं आगे पर रखे हैं आटे का, उसकी लोइयाँ हमको बनाना है। तो चलिए यहाँ पर ठंडा करके रख लेते हैं। तो आपको जब भी खस्ता कचौड़ी बनाना हो, इस तरीके से आप बनाएंगे, आटे को लगाएंगे, तो बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर आप खस्ता कचौड़ी के लिए आलू भी यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें आपको जो जिस चीज़ों को पसंद हो। तो एक बार मूंग दाल के बना के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोइयों को बना लेते हैं। सभी लोई को इस तरह से हम काट कर अलग कर लेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट
आटा बन के तैयार है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लगभग 10-12 लोई बना के तैयार कर लेंगे। तो आप इस तरीके से सभी लोई को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को बना लिया है। अब चलिए इसको दिखाते हैं। इस तरह से आप बीच से थोड़ा से दबाएंगे और किनारे किनारे इसको खींचेंगे, पतला करेंगे। बीच में ये मोटा रहना चाहिए, मोटा रहने से ये खस्ता कचौड़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको बेलना नहीं है किसी चौके वगैरह पे, तो सिर्फ इसको आपको हाथ की ही हेल्प से बनाना है। तो देखिए बीच में ये मोटा है। तो यहाँ पे ये जो लिए हैं हमने मूंग दाल की फीलिंग जो है इसको भर देंगे। इस तरीके से आप थोड़ा सा दबा दीजिए। अब किनारे किनारे से आटे को लीजिए इस तरीके से। तो आपको अच्छी तरीके से दूसरे साइड में भी दिखाते हैं, दूसरे तरीके से भी बना के इस तरीके से आप एक बार ऐसे कीजिए। तो आप जब दबाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे बन के तैयार हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी तो ये फटेगी नहीं। आप इस तरीके से जब किनारे किनारे का दबा के गोला बना लेंगे तो, और थोड़ा सा इसका जो बचा हुआ आटा है काट कर किनारे रख देंगे, तो इससे ये होगा कि आपकी कचौड़ी फटेगी नहीं। आप इसे हल्के हाथों से दोनों साइड से देखिए, अपने हथेली की हेल्प से दबा दीजिए। तो यहाँ पर लगभग कचौड़ी एक हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से जितनी भी कचौड़ियाँ हैं हम सभी को बना लेंगे। तो देखिए आप कितनी अच्छी गोली कचौड़ी बन के तैयार है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक कचौड़ी हमारी बन गई है। तो आप सभी को वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं कैसे बनेगी। तो यहाँ से आप एक किनारे से आटे को पकड़िए दोनों अंगुली की हेल्प से, और एक दूसरे किनारे पर चले जाइए। तो यहाँ पर एकदम बन के परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से सभी कचौड़ियाँ बना के आपको एक साइड रख देना है। गैस के चूल्हे पे हमने पहले से तेल को गरम करके रखा है, तो एक साइड में रख दिया है। आप तो इधर हम कचौड़ी बना रहे, उधर तेल हमारा गरम हो रहा है। तो इसी तरीके से चलिए हम डाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर तेल ज़्यादा ना गरम है ना ठंडा है, मीडियम है। पहले से हमने गरम करके रख दिया है, पर सरसों का तेल है तो आप इसको एक बार पहले अच्छी तरीके से पका लें, नहीं तो इसमें कच्चा पन होता है तो इससे महक आती है। तो पहले इसको एक बार हीट करके फिर ठंडा कर लीजिए। तो यहाँ पर आँच को हमने धीमा रखा है। तो इस तरीके से आप तेल को बार बार कचौड़ी के ऊपर डालते जाइए, तो इससे कचौड़ियाँ बहुत अच्छी तरीके से फूलेंगी और फटेंगी भी नहीं। तो इस तरह से हमने कचौड़ी पे लगभग बराबर मात्रा में तेल डाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कचौड़ी फूली फूली हुई है। तो यहाँ पर देखिए बन के तैयार हो चुकी है हमारी कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर ये हम सर्व करते हैं। इसे आप सब्जी के साथ, दही के साथ, रायता के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए दो खस्ता कचौड़ी बन के तैयार है। तो मेरी वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नए दोस्त आए तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाइए।